सुमित मेहरडा आईपीएस ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर का पदभार संभाला। धौलपुर की प्रमुख खबर। नव पद स्थापित जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा आईपीएस द्वारा आज जिले में पदभार ग्रहण किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने पत्रकारों से संक्षिप्त वार्तालाप किया एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक की विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। कि आम जनता में जितना विश्वास जगा सके, आम जनता का वेलफेयर कर सके, पुलिस पे आम जनता को फेथ इतना बढ़ सके कि कोई भी आके किसी भी समय पुलिस से मदद मांग सके, और हम बहुत खुशी से मदद करेंगे, यही प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू जी। ओके। डॉक्टर विजय सिंह पीएमओ नियुक्त, आज संभाला कार्यभार। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला अस्पताल के सबसे वरिष्ठ चिकित्सक वाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह को राज्य सरकार ने पीएमओ के पद पर नियुक्ति दी है। डॉक्टर विजय सिंह लंबे समय से जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज डॉक्टर विजय सिंह ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अनेक चिकित्सकों एवं समाज सेवियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएँ सुधारने एवं सुचारू चलाने के लिए हमें मीडिया एवं धौलपुर की आम जनता का सहयोग चाहिए और हमें उनका सहयोग मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आज मैंने धौलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं जिला चिकित्सालय के पीएमओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है और मेरा अधिकांश सेवा काल धौलपुर में ही गुजरा है। धौलपुर के लोगों की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ, जन भावनाओं से भी परिचित हूँ, और यहाँ राजनीतिक जो लोग हैं उनकी जनता के प्रति जो भावनाएं रहती हैं उनसे भी मैं परिचित हूँ। सबका लाभ जनता को मिलेगा और मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सालय के अंदर जो सुविधाएं जनता को मिल सकती हैं, जो केंद्र सरकार ने इतना अच्छा अस्पताल यहाँ बना के दिया, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल बना के दिया, राज्य सरकार ने भी ये जो जिला चिकित्सालय यहाँ पर बनाया है ये बहुत अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी सरकार ने दिए हैं उनका सदुपयोग करते हुए जनता को जो अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा हम पूरा कोशिश करेंगे, और किसी प्रकार की कोई अनियमितताएँ अगर होती हैं तो हम एक टीम वर्क के रूप में उसको भी ठीक से करके और जनता को पूरा लाभ मिले इसका पूरा प्रयास रहेगा। जनप्रतिनिधि भी चूँकि जनता के ही लाडले होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी मायूस नहीं हो और इस प्रकार से हम सबका साथ सबका विकास इसको ले करके आगे बढ़ेंगे और धौलपुर के हित में, धौलपुर जनता के हित में काम करेंगे। उन्नीस और 26 अप्रैल को होगा राजस्थान में लोकसभा चुनावों को मतदान। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। आज भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तिथियां की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही प्रदेश में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान घोषणा के अनुसार राजस्थान में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा एवं टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा सीट रहेंगी, तथा 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगा, जिसमें अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, वारा लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने विपक्षी दलों द्वारा
ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में एक कविता सुनाई। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स आर 100% सेफ। 7 वर्षों से फरार आरोपी को पंजाब से किया गिरफ्तार। नादनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाई जा रहे वांछित अपराधियों का गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत आज नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में पुलिस पार्टी के साथ कार्यवाही करते हुए लगभग 7 वर्षों से फरार मुलजिम मोहम्मद सगीर पुत्र बशीर अहमद मुसलमान निवासी जिला संगरूर पंजाब को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि फरार आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी के साथ सुरेश चंद, सुरेंद्र सिंह एवं लोकेश कांस्टेबल शामिल रहे। निर्दलीय विधायक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया समर्थन पत्र। बयाना की प्रमुख खबर। बयाना से निर्वाचित निर्दलीय विधायक ऋतु बनावट ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर अपना समर्थन पत्र उनको सौंपा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बयाना विधायक ऋतु बनावट जी को बयाना विधानसभा के लिए 5 एम्बुलेंस की सौगात दी है जो शीघ्र बयाना में जनता के काम आएगी। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे से, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हैं, धर्म की रक्षक पार्टी उनकी है और एनडीए की का घटक दल है, उनसे मिलना हुआ और मैंने उनको अपना एक समर्थन पत्र सौंपा। और क्योंकि मैं भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ शुरू से, और उन्होंने वादा किया कि एनडीए से बात कर वो बयाना में विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करवाने का पूरा सहयोग देंगे। साथ ही उन्होंने तुरंत ही 5 एम्बुलेंस की घोषणा बयाना विधानसभा की जनता के लिए दी है और शीघ्र ही वो 5 एम्बुलेंस बयाना विधानसभा की सेवा के लिए उपलब्ध होंगी। साथ ही ये कहना चाहूंगी कि एनडीए से नेचुरल एनडीए में शिवसेना का नेचुरल अलायंस है और हम सब भी उस विचारधारा से जुड़े हैं शुरू से ही, और दोनों ही पार्टियां मिलकर एनडीए के सभी घटक दल मिलकर बयाना के विकास की गंगा को और अधिक जोरदारी से प्रवाहित करने का काम करेंगे। केंद्रीय सड़क निधि से 16,67,00,000 की सड़क को मिली मंजूरी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पिछले दिनों नई दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेत्री व राजाखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी रहीन नीरजा अशोक शर्मा ने केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16,67,00,000 रुपए की राशि सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत की है। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने बताया कि मनिया मरेना सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राशि स्वीकृत करवाई गई है, जिससे 12 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनकर तैयार होगी और लोगों के लिए राह आसान बनेगी, जिसके लिए नीरजा शर्मा ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। कोंड्रा आयशर गाड़ी में ठूस ठूस के भरी गई 24 पैसों के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहडा के निर्देशन में धौलपुर सदर थाना पुलिस ने आज सदर थाना चौराहा जीटी रोड पर नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए आयशर कोंड्रा गाड़ी को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके अंदर 24 पैसों को क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर फरा गया था, जिन्हें बरामद कर एक व्यक्ति चांद खान पुत्र अल्फाज खान निवासी टंकी के सामने इस्लामपुरा जोरा थाना जोरा जिला मुरैना एमपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर
कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में सदर थाना प्रभारी राम नरेश के साथ दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल, वीरेंद्र सिंह एवं धवल सिंह कांस्टेबल थाना सदर धौलपुर शामिल रहे। स्ट्रॉन्ग वुमेन्स ग्रुप द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित। भरतपुर की प्रमुख खबर, आगरा रोड स्थित होटल ग्रैंड वर्षों में स्ट्रॉन्ग वुमेन्स ग्रुप की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों द्वारा फूलों और रंगों की होली के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के विजेता आरफ गोयल और बिट्टू चौधरी रहे। खेल प्रतियोगिता में प्रीति बंसल, वंदना शर्मा एवं देवांशी विजेता रहीं। नृत्य प्रतियोगिता में सोनाली, मनीषा एवं सुहानी विजेता रहीं। आयोजकों द्वारा विजेता महिलाओं एवं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम की संयोजक अपूर्वा कुंतल व सह संयोजक दीप्ति टाइगर, नेहा राणा, मोना शर्मा, प्राची सिंह एवं मीना शर्मा रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं ने राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी के साथ फूल एवं गुलाल से होली खेली। कार्यक्रम में भावना तनेजा, आरती भारद्वाज, श्वेता गोयल, अंजलि सोनी, मधु, पूनम, मोनिका, सोना, अनु चौधरी, शिल्पी दीक्षित आदि अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन प्रतिभूज के साथ हुआ। सड़कों पर दौड़ रहे खुलेआम बेरोक टोक ओवरलोड वाहन, कभी भी हो सकता है कोई हादसा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, जिले के उपखंड राजाखेड़ा क्षेत्र के अंदर परिवहन विभाग के दावे थोते दिखाई दे रहे हैं। परिवहन विभाग एवं प्रशासन के द्वारा दावा किया गया था कि ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बेरोक टोक के ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे वह ट्रक हो या डंपर हो या ईंट ले जाने वाले ट्रॉली ट्रैक्टर हों या नदियों के पास बने सरकारी टीलों की खुदाई कर ईंट भट्टों पर ले जाने वाला सफ़ेद रेत या मिट्टी हो, सभी सड़कों पर ओवरलोड भरे हुए दौड़ते नजर आते हैं, जिसके कारण सड़कों पर निकलने वाले दोपहिया वाहन, छोटे चार पहिया वाहन इत्यादि या पैदल यात्री, साइकिल सवार यात्रा करने वालों को भी हादसे की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसी तरह दौड़ते हुए वाहनों से अनेक लोग काल के गाल में जा चुके हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह राजाखेड़ा उपखंड के अंदर यातायात प्रभारी की भी नियुक्ति करें, ताकि बाजार में अतिक्रमण करने वाले एवं धड़ल्ले से ओवरलोड वाहनों को दौड़ने पर रोक लगाई जा सके, जिसके कारण जनता को राहत मिले। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन, बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट।